स्वागत है। जोधपुर का फेमस मिर्ची बड़ा और समोसा, इन दोनों का फ्यूजन करके आज बन रहा है चटपटा मिर्ची रोल्स। वीडियो पसंद आए तो इसे आपके ग्रुप में रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिक्सिंग बाउल में मैंने एक कप मैदा ले लिया है और ये दूसरा कप। 5 टेबलस्पून घी डालेंगे, आप तेल का भी मोयन कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, इसे हम हथेली पर लेकर हम इसे मसल देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे। इसे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा और एकदम से खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ऐसे मसलते हुए, ताकि इसमें जो हमने घी डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इस डो में चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन मोयन जो हमने इसमें डाला है, घी जो हमने इसमें डाला है, वो सही मात्रा में है या नहीं वो देखने के लिए हम ये जो मिश्रण है उसे इस तरह से मुट्ठी में ले लेंगे और इस तरह से हम दबाएंगे। और अगर इस तरह से शेप बनकर तैयार हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें मोयन सही डाला है। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला देंगे और हम इसका सख्त आटा लगा लेंगे। तो ये हमारा सख्त आटा हमने लगा लिया है और आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स है, तो ये एकदम परफेक्ट है। इसे हम ढक देंगे और 15 मिनट का हम रेस्ट दे देते हैं। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एक मिक्सचर जार में मैं 1/4 कप जितना धनिया पत्ता ले रही हूँ। इसकी ऐसी मोटी डंठल भी मैं ले रही हूँ, उससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च और 1/2 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और इसे हम पीस लेंगे। इसमें थोड़ा भी पानी हमें ऐड नहीं करना है। अब एक मिक्सिंग बाउल में मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, ये लगभग 200 से 300 ग्राम जितना है। उसे मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। ये हम डाल देंगे 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आप यहाँ पे 1/2 नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्ची पाउडर, ऑलरेडी हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है तो उस अनुसार हम डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम ऐड कर देंगे जो मिक्सचर जार में हमने धनिया मिर्च और अदरक पीस लिया है वो डाल देते हैं। हमें बिना पानी का पीसना है, हल्का सा ये दरदरा पीस कर तैयार हुआ है। इसे उबले हुए हरे मटर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें सौंफ, फुदीना, साबुत धनिया, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये मिश्रण चटपटा तैयार कर रहे हैं, स्टफिंग तैयार है। यहाँ पे मोटी वाली मिर्च ले ली है, इससे पतली भी आती है मिर्च, वो भी आप ले सकते हैं। अब इस मिर्च को हम यहाँ पे एक स्लिट दे देंगे ताकि हम इसमें स्टफिंग भर सके। बीच में ही देना है, ये आर पार हमें कट नहीं करना है। और आप चाहे तो इसमें जो सीड्स है उसे निकाल सकते हैं, सहायता से स्कूप कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ। और अब इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। ये पर हमें दबाते हुए नहीं भरना है, हल्की सी जगह हम इसमें रहने देंगे, क्योंकि जब हम इसे तलेंगे तो ये फूल जाते हैं और टूट भी सकते हैं। करके ले लेते हैं। तो मिर्च हमने स्टफ करके तैयार कर दिया है। अब हम ये जो आटा हमने गूंद कर रखा था वो ले लेते हैं और इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मसल कर ले लेते हैं। पहले एक बड़ा पेड़ा हम ले लेंगे, इसे हमें लंबा बेलना है, हमें एक लंबी लंबी स्ट्रिप्स चाहिए तो उस हिसाब से हम बेल लेंगे। अब चाहे तो इसे प्लेटफॉर्म पर भी बेल सकते हैं, इसमें शेप की चिंता बिल्कुल भी ना करें।
चलिए तो अब यह तैयार है। ये देखिए, इसे हमें ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा बेलकर तैयार कर लेना है। अब इसमें हम कट्स दे देते हैं, करीबन 1 सेंटीमीटर जितना हम ये स्ट्रिप्स तैयार करके ले लेते हैं, 1 से 1.5 सेंटीमीटर जितना। आप पिज़्ज़ा कटर की सहायता से भी इसे कट कर सकते हैं। अब इन स्ट्रिप्स पर हम थोड़ा पानी वाला हाथ कर हल्का हल्का सा पानी इस पर लगा देंगे। अब हम मिर्च ले लेते हैं स्टफ की हुई, और ये स्ट्रिप हम ले लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टॉप से, ऊपर से हम इसे रोल करते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। इसकी थोड़ी डंठल बड़ी थी, उसे मैंने थोड़ी काट दी है। अब चाहे तो यहाँ नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें इसे रोल करते हुए एक बार प्रेस कर देंगे और इसे रोल कर देंगे। हल्का सा जो ये स्ट्रिप है वो दूसरी स्ट्रिप पर आ जानी चाहिए। इस तरह से गोल फैलाते जाए। उंगलियां भी हमें थोड़ी पानी वाली रखें ताकि ये इस पर चिपकता जाए। अब यहाँ पे स्ट्रिप हमारी खत्म हो जाती है तो हम दूसरी स्ट्रिप ले लेते हैं और इसको हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे इसको दबा देंगे इस तरह से, अच्छे से इसे दबा दे और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू करें। रोल करते जाएं। दूसरी स्ट्रिप पर हमें थोड़ा सा ही इस पर रखना है। अब इसे एंड में भी अच्छे से कवर कर लेंगे। इस तरह से दबा के जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम निकाल देंगे और अच्छे से इसे दबा लें। ये देखिए, इसी प्रकार हम दूसरे जो मिर्च है उसे भी इस तरह से रैप करके ले लेते हैं। हमने जितना बेला था उसमें सिर्फ ये 2 स्ट्रिप्स बच गई है और ये 2 मिर्च बड़े तैयार हुए हैं। अब मैं दूसरा बड़ा पेड़ा लेकर उसे बेल लूंगी और इन मिर्च को व्रैप करके ले लेती हूँ। तो सभी मिर्ची को मैंने व्रैप करके ले लिया है और साइड में मैंने तेल भी गरम करने रख दिया है। अब तेल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम करके ले लिया है। इसे हाई फ्लेम पर गरम ना करें और इस मिर्च बड़े को पहले हल्के हाथों से इस तरह से दबा कर ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा ना दबाएं, नहीं तो ये जो स्ट्रिप्स है वो अलग दिख के नहीं आएगी। तो अब इसमें हम इसे प्लेस कर देते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे और ज़्यादा हमें इसे अब हिलाना नहीं है। थोड़ा हल्का सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद उसे हम पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है, तो अब इसे हम पलट देते हैं। एकदम हल्के हाथों से इसे टर्न कर दें। अब इसे भी हम हल्का सा तल कर ले लेते हैं। ये देखिए, दूसरी ओर से भी ये लाल हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये पूरी तरह से तल कर तैयार नहीं है, हमें इसे 2 बार तल कर तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ये एकदम खस्ता बनकर तैयार होंगे। इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम ये दूसरे तल कर ले लेते हैं। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पर तल कर ले लेंगे। चलिए, तो ये दूसरा बैच भी हल्का सा लाल करके हमने ले लिया है, इसे हम निकाल देते हैं। 5 से 10 मिनट तक इसे हम ठंडा करके ले लेते हैं, बाद फिर से हम इसे डीप फ्राई करके ले लेंगे। ये बैच मैंने फिर से डाल दिया है, पहला वाला जो बैच था वो इसे ठंडा करके ले लिया और फिर से इसे डीप फ्राई करने इसमें डाल दिया है। तो अब दूसरी बार जब हम तल रहे हैं ना, तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तल कर ले लेना है। और अब ये देख सकते हैं, अब ये बादामी कलर का हो गया है, तो अब हम इसे निकाल देंगे। मिर्ची रोल का ऊपरी जो हिस्सा है, ऊपरी जो लेयर हमने बनाया है, वो बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं और अंदर जो हमने स्टफिंग की है वो एकदम चटपटी और स्पाइसी बनकर तैयार हुई है।
और जिसमें हमने ये स्टफिंग भरी है, जो मिर्च हमने यूज की है, उसका तो क्या कहना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये मिर्ची रोल्स। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।